लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फेस्टिवल सीजन में खराब मिठाइयां लोगों की सेहत बिगाड़ सकती है, ऐसा करने वालों के खिलाफ अब स्वास्थ्य विभाग ने 11 टीमें तैयार की हैं। वहीं फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से रोजाना मिठाई बनाने वाली एक फैक्ट्रीज, डेयरी और दुकानों पर रेड की जा रही है। इन जगहों पर मिठाइयां और उनको बनाने का सामान खराब स्थिति में मिल रहा है। इसके बाद उन लोगों पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। डर के मुताबिक खोया यानी मावा में 70% से ज्यादा मिल्क फैट का होना जरूरी होता है। खोए में मिलावट है या नहीं इसके लिए सैंपल लिया जाता है और इसको मशीन में डाला जाता है। इसके बाद मशीन फैट बताती है। वहीं पनीर और दूध की जांच भी ऐसी होती है। इसके अलावा मिठाई में खतरनाक रंगों और केमिकल की मिलावट की आशंका पर जांच की जा सकती है। मिठाई खराब है या नहीं, मिठाई बनाते वक्त इसमें कोई कीड़ा तो नहीं गिर गया, इसकी जांच भी की जा सकती है। मिठाई में मिलावट पाए जाने पर आरोपी पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। खराब मिठाई बेचने या उसमें किसी तरह का कीड़ा वगैरह पाए जाने पर मिठाई को डिस्ट्रॉय करने और सजा का भी कानून है।